भाई ये बंदा कमाल कर। अस्सलाम वालेकुम, हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद है इंडिया बांग्लादेश और नेपाल के दोस्त ठीक होंगे। आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहा हूँ उस वीडियो का टाइटल है इसरो सेंड अ रोबोट इज अननेम्ड गगनयान। तो ये इसरो का न्यू मिशन है जो इसरो लॉन्च करने का कुछ ही देर में, तो इसकी वीडियो पर रिएक्शन देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यार साथ घंटी होगी तो घंटी बजाना मत बोलना। तो वीडियो पर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 लेट्स वॉच ओ, देखते हैं भाई है क्या। Here we go. Hello everyone. I am Vyommitra, the prototype of the half humanoid being made for the first time. Okay, तो ये मेरे हाथ से रोबोट भेजने की कोशिश है। Vyommitra. Okay. 2022 में इसरो मानव okay, 2022 में भेजेगा। लॉन्च करेगा। इसमें 3 क्रू मेंबर शामिल होंगे। Okay. इस मिशन में इसरो किसी महिला को नहीं भेज रहा है। ऐसे में मानव मिशन से पहले मानव रहित मिशन के लिए इसरो ने महिला की okay, फीमेल रोबोट तैयार जा रही है जिसे व्योमित्रा नाम दिया okay. गया। इसरो प्रमुख के सिवन का कहना है कि गगनयान मिशन के लिए जनवरी के अंत में ही 4 चुने हुए एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनिंग के लिए रूस भेजे जाएंगे। We are going to do a lot of demonstration test this year. भाई ये बंदा कमाल कर, यकीन मानो इसने स्पेस एजेंसी के लिए बहुत ही कुछ किया। तो ये इसरो को टॉप पे लेके गया ये बंदा। That's going to fly in that one. That's going to simulate the human systems. So that under the human system. वैसे एक मिशन के पीछे काफी लोग होते हैं जो इसको चलाते हैं, लेकिन जो मेन का लीड करते हैं ना वो ही हिट होते हैं। तो वो उनमें से ये एक है जिन्होंने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया। और आपने वीडियो भी देखी होगी यार, काफी दुख भी हुआ था इनको। शरीर के तापमान और धड़कन संबंधी टेस्ट करेंगे। ये ह्यूमनाइड मानव की तरह व्यवहार करने का प्रयास करेगी और रिपोर्ट वापस करेगी। ऐसा प्रयोग के तौर पर किया जा रहा है। आई कैन मॉनिटर क्रू मॉड्यूल पैरामीटर्स, अलर्ट यू and perform life support operations. I can mimic all crew activities like switch panel operations, ECLSS functions, etc. I can also be your companion, can converse with the astronauts, recognize them, and can also respond to their queries. अच्छा रोबोट बनाया है, मतलब इसकी काफी ऑप्शंस हैं और काफी काम कर सकता है ये। कि गगनयान मिशन सिर्फ इंसान को अंतरिक्ष में भेजने का मिशन नहीं है, ये मिशन हमें आगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग जुटाने में मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मतलब एक इंडिया का पॉजिटिव इमेज भी आएगा। तो वीडियो हो गई है खत्म। यार अगर वीडियो के रिव्यू की बात की जाए तो इसरो इस टाइम टॉप ऑफ पीक पे जा रहा है। पिछले दिनों मैंने कंपैरिजन किया था इसरो और जो पाकिस्तान स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है स्पार्को उसका, तो स्पार्को पहले बनी थी, इसरो बाद में बनी थी, लेकिन इसरो ने स्पार्को को पीछे छोड़ दिया और इस टाइम मिशन पे मिशन लॉन्च करते जा रही है। अब जैसे देखा था कि जीसेट 30 उन्होंने लॉन्च किया और अब ये गगनयान 2022 में लेके जाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले इन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जिसमें वो एक फीमेल रोबोट को चांद पर लेके जाने की सोच रहे हैं। और इसरो इसके साथ गगनयान 3 भी लॉन्च करना चाह रहा है, वो पता नहीं कब करता है। लेकिन जो चंद्रयान 2 फेल हो गया था चंद ही किलोमीटर की वजह से, 7 किलोमीटर मेरे ख्याल से, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं आ रही, अब चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया। फिर उसके बाद जीसेट 30 लॉन्च की है, अब उन्होंने गगनयान 3 वयोमित्रा इस तरह का नाम है उसका रोबोट का, जो चांद पे जाएगा और वहाँ से डाटा कलेक्ट, और काफ़ी अच्छा एक रोबोट है जो काफ़ी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है जो जैसे वीडियो में बता रहे थे वो। उम्मीद है ये मिशन कामयाब होगा। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब नोबी रिएक्शंस।